हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये हैवी सी पगड़ी बनाने वाले हैं। 6 नंबर के कान्हा के लिए मैंने इसे बनाया है और 6 नंबर के कान्हा को आपको पहना के दिखाती हूँ। बट आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाइए और पहनाइए। ये देखें, ये रही इसके साथ मैचिंग की ड्रेस। ऊपर मैंने मटकी बनाई है, नीचे इस तरह का डिज़ाइन कर रखा है। तो ड्रेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आज की वीडियो में हम पगड़ी देखेंगे। और अगर आप ये ड्रेस और पगड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। आप मुझे 7237862439 7237862439 7237862439 पे व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है कान्हा के लिए। देखिए गाइस, आज की हमारी जो ड्रेस है वो इस तरह की होने वाली है। इसी के साथ की मैचिंग की हम पगड़ी बनाने वाले हैं। तो ड्रेस को साइड करते हैं। ड्रेस की वीडियो मैंने इसके पहले ही अपलोड कर रखी है, आप चेक कर लीजिएगा। पगड़ी का मैंने यहाँ पे बेस ले लिया है। इस तरह का बेस आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। आप यूट्यूब पे बोल के सर्च करेंगे लड्डू गोपाल जी की हैवी पगड़ी का बेस कैसे बनाएं बाई अमृति फैशन मिला, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप जरूर चेक करिएगा। बुकरम की हेल्प से मैंने बनाया है। किसी भी साइज में आपको बनाने में से प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें इस पर स्ट्रिप एक लपेटनी है, तो उसके लिए आपको 5 इंच चौड़ाई और पूरा 45 इंच लंबाई का फैब्रिक लेना है। इस फैब्रिक को हम एक बार यहाँ से मोड़ेंगे, एक बार यहाँ से मोड़ेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी येलो कलर में अपना प्रेस करके रखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकदम आसान तरीका आपको बताऊँगी गाइस, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये जो आपको वी शेप दिख रहा है, यहीं से हमारा, ये देखिए, इसी के सामने से हमारा स्टार्ट होगा बनना। तो चलिए ग्लू लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरह से हम यहाँ पीछे तक आएंगे, अपनी स्ट्रिप लेंगे, यहाँ रखना है और इस तरह से हमें लगा देना है, ये ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब बस इस स्ट्रिप को हम पीछे यहीं पे लाके ज्वाइंट करेंगे। ये जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ले जाके हमें ज्वाइंट कर देना है। तो इस पर भी थोड़ा सा ग्लू लगाइए, ऐसे तिरछे में ग्लू लगाइए और इसे हल्का सा, बहुत हल्का सा खींचते हुए यहाँ पर लगाना है। ये देखें, ये मैंने लगा दिया। अब अगर आप देखेंगे तो एक साइड से ये ऊपर वाला कवर हम करेंगे और एक साइड से नीचे वाला हिस्सा कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्लू लगाते हुए हमें नीचे आना है और ये इस तरह से आप देखिए थोड़ा सा हमारा कवर हुआ है। हल्का सा और नीचे कर लेती हूँ जिससे फिनिशिंग हमारी अच्छी आएगी। ये मैंने लगा दिया। अब इधर से हमारे ये नीचे वाला हिस्सा कवर होगा, ये ऐसे करके। तो हम इसे भी इस तरह से चिपका लेते हैं, ये ऐसे। ये देखिए नीचे का कवर हुआ। अब फिर हम आएंगे यहाँ से तो ऊपर का कवर होगा, इधर से आएंगे तो नीचे का। तो चलिए मैं इसी तरह से पूरे पे लपेट लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए हमारा बेस जो है वो रेडी हो गया है। बैक से जो एक्स्ट्रा आ रहा था फैब्रिक वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। लगभग 10 से 12 इंच लंबाई का पीस हमारे पास बच गया है। अब मैंने यहाँ पे ये 12 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई का नेट का फैब्रिक ले लिया है। हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे अपनी कलकी बना लेंगे। ऐसे हमें पतली पतली सी प्लेट बनानी है, ये ऐसे करके। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आसानी से बनाइए और पहनाइए। इस तरह की पगड़ी का जो रॉ मटेरियल है वो भी आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। आप मुझे 7237862439 7237862439 7237862439 पे व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। और अगर आप इस तरह की पगड़ी बिना ग्लू गन के बनाना चाहते हैं तो आप बिना ग्लू गन के भी बना सकते हैं। आप YouTube पे बोल के सर्च कर लीजिएगा या टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, बिना ग्लू गन सिर्फ सुई धागे की मदद से बनाएं लड्डू गोपाल की हैवी पगड़ी बाई अमृति फैशन विला, तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे कलकी जो है वो बना ली है। इसके पहले मैंने एक यहाँ पे येलो कलर की बना के रखी हुई है, तो चलिए लगाती हूँ। ये ड्रेस आप हरियाली तीज पे भी पहना सकते हैं और जन्माष्टमी पे तो आप पहना ही सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सी मैंने ये ड्रेस बनाई है कलसा वगैरह लगा के, तो चेक करिएगा। ये ड्रेस भी बनाना बहुत ईजी है, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये हम यहाँ पर इस तरह से करके लगा लेंगे, ये देखें। बस आप लगाते वक्त कलकी ध्यान दीजिए कि आप सेंटर में लगा रहे हों। बहुत सारे लोग कभी कभी साइड से भी लगा देते हैं और बाद में देखते हैं कि अरे ये तो मैंने साइड से लगा दिया। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए कि एकदम सेंटर में होनी चाहिए। सेंटर हमारा ये वी वाला हिस्सा है, इसी के हिसाब से आपको अपनी कलकी लगानी होती है। तो मैंने यहाँ पर इसे चिपका दिया है। अब चलिए डेकोरेट कर लेते हैं।
अब देखिए डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगा दिया है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टोन चार्ट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पिप्स लगाना है, तो गोल्डन पिप्स हम यूज़ करेंगे। ये इस तरह से पिप्स लिया और पिप्स में से हम दो पीस लेके नीचे से कट कर लेंगे। नीचे से कट करने के बाद यहाँ पे हमें चिपका लेना है ये इस तरह से। इस साइड हम थोड़ा और ग्लू लगा लेते हैं, ये ऐसे ये हमने चिपका दिया। चिपकाने के बाद हम इस पर अपनी बूटी लगा लेंगे। ये बूटी हमारे ड्रेस में भी यूज हुई है, ये ऐसे करके, ये देखें। अब देखिए ड्रेस में मैंने इस तरह की गोल बूटी लगाई है, तो हम इसे ऐसे बीच से कट कर लेंगे। ये सारी बूटियां हैंडमेड है, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं जहां चाहें जैसे चाहें। तो ये मैं यहाँ साइड पे लगाऊंगी ये ऐसे करके, ये देखें ये कितनी अच्छी लग रही है। और हमारे ड्रेस में स्टोन चार्ट ही यूज है, तो हम एक बूटी अपनी जो हमारा हाफ कटा वाला हिस्सा है हम इधर से भी लगा लेते हैं ऊपर की साइड से, ये ऐसे करके। बस अब इसे हम स्टोन बटन वगैरह की हेल्प से डेकोरेट कर देंगे पूरा। तो चलिए करती हूँ। ये देखिए हमारी पगड़ी यहाँ पे रेडी हो गई है। कान्हा को पहना के भी दिखा देती हूँ। ये रहे हमारे कान्हा जी, ये इस तरह से आ जाएगी, एकदम फिट आती है। अगर मैं सुला भी दूंगी तो गिरती नहीं है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाएं और पहनाएं, और परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे।